नमस्कार दोस्तों, काल एकेडमी आप लोग का बहुत स्वागत है। जैसे हमने पिछले क्लास में हमने इलिप्स देखा था, इलिप्स में लेटस रेक्टम के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। ये जनरली क्लास इलेवंथ में हम पढ़ना है, तो क्लास इलेवंथ का जो है चैप्टर लेटस रेक्टम, उसमें हम देखेंगे। ये कोनिक सेक्शन के अंदर आता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने देख लिया कि किस प्रकार से सर्कल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया और उसके साथ में पैराबोला के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम लेटस रेक्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेटस रेक्टम होता क्या है? ये एक इलिप्स का ही पार्ट है, एक लाइन सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस थ्रू एनी द फोकस। ठीक है, ये जो हमारा ये पार्ट हो गया, ये क्या कहलाएगा? हमारा लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो हमारा ये मेजर पार्ट है, हमने पिछले क्लास में देखा था, ये हमारा क्या मेजर पार्ट कहलाता है, ये क्या करता है? माइनर पार्ट कहलाता है। तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगा। मेजर एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है, ये क्या कहलाएगा? लेटस रेक्टम कहलाएगा। जो मेजर एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर एक जो लाइन है, ये क्या कहलाता है? हमारा लेटस रेक्टम। तो क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 वाले थोड़ा सा केयर कीजिएगा, लेटस रेक्टम पूरे को नहीं, सिर्फ ये पार्ट को जो परपेंडिकुलर और ये पार्ट को परपेंडिकुलर, ये हमारा सॉरी यानी ये लेटस रेक्टम कहलाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। सब तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, एलिप्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, लेटस रेक्टम का जो निकालने का लेंथ का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ पर लेंथ ऑफ द अगर हम देखा जाए लेटस रेक्टम, तो इसको एल मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे? एल। ठीक है, लेटस रेक्टम को हम क्या मानेंगे? तो एल मान लेंगे। ओके, तो हमारा जो ये फॉर्मेशन का अगर इस कोऑर्डिनेट को देखा जाए, ये कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा फॉर्मेशन बनाएगा? तो हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है वो यहाँ से डिस्टेंस है सी, तो ये फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट सी हो जाएगा। ये लेटस रेक्टम का वैल्यू एल हो जाएगा, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट बनाएगा सी और एल का कोऑर्डिनेट बनाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ए कोऑर्डिनेट बना रहा है सी और एल का कोऑर्डिनेट बना रहा है, जिसमें सी का वैल्यू हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सी का वैल्यू होता है वो ए ई होता है। सी का वैल्यू क्या होता है? ए ई होता है। ओके, सी का वैल्यू ए ई होता है। तो हम इसके आगे हम सॉल्व करेंगे अब। तो जैसा कि हमने देखा कि जो ए कोऑर्डिनेट है, ए कोऑर्डिनेट को क्या हमने देखा? तो सी और एल को, और सी का वैल्यू हमने पहले निकाला ए ई होता है। पिछले क्लास में देखा था सी का वैल्यू हमारा क्या था? ए ई होता है। तो जो हमने लेंथ का फॉर्मूला निकालता था, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन हुआ था। एक्स का वैल्यू, जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है, अब हमारा हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में जो हमने सी और एल का, सी का वैल्यू हमने क्या निकाला? ए ही निकाला। तो एक्स का वैल्यू जो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, एल का वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ पर है। तो ए ही का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वाई का जो वैल्यू, इसमें क्या है? वाई का वैल्यू एल है, तो एल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू वन। ऐसे हम देखेंगे कि यह जो हमारा वैल्यू है ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर वैल्यू यहाँ कट गया, और पूरा अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारा वैल्यू आता है एल स्क्वायर इक्वल टू बी फोर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसको हम अंडर रूट में तोड़ेंगे, एल स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट चलेगा, बी फोर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ये हमारा लेटस रेक्टम का वैल्यू निकला है, लेटस रेक्टम का वैल्यू हमारा निकला एल का। अगर देखा जाए तो लेटस रेक्टम ये से यहाँ तक हुआ, अगर पूरे का वैल्यू निकालना है, फुल लेंथ निकालना है, फुल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो क्या हो जाएगा? टू एल हो जाएगा। तो टू इंटू एल का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा? टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ये हमारा अगर लेंथ निकालना होगा तो टू एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अगर सिर्फ लेटस रेक्टम सिंगल का पूछा जाए, ए एफ वन के बीच में, ए एफ वन के बीच में अगर पूछा जाए, तो लेटस रेक्टम का वैल्यू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अगर पूरा चार्ज पूछा जाए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए। तो लेटस रेक्टम का कैसे लेंथ निकालते हैं हमने देख लिया। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसको इजीली इस फॉर्मूले पर आप पुट कर निकाल सकते हैं वैल्यू। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइपरबोला होता क्या है? तो ये एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट ए प्लेन, एक प्लेन पर कोई भी पॉइंट, ये पूरा प्लेन पर कोई भी सिंगल पॉइंट जो है
डिफरेंस ऑफ होज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉन्स्टेंट, मतलब कि यहाँ से लेकर ये दो पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेकर ये और ये पॉइंट और यहाँ से लेकर ये दोनों पॉइंट का जो रेशियो होगा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों क्या होगा रेशियो कांस्टेंट होगा। इसमें देखेंगे कि यहाँ से लेकर F1 से लेकर P1 और F2 और पी एफ पी टू एफ टू और पी टू एफ टू दोनों के बीच में क्या बराबर होगा, इक्वल होगा, यहाँ F1 है F2 है, ओके। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, सेम ये डिस्टेंस और अगर एक और ये डिस्टेंस लेते तो ये हमारा क्या बड़ा होगा, ये हमें हाइपरबोला में पढ़ना है कि देखेंगे यहाँ पर हाइपरबोला मतलब क्या, एक पैराबोला और दूसरा पैराबोला एक दूसरे की ओर कनेक्ट किया गया, इसलिए इसका नाम हाइपरबोला रखा गया है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से फार्मूला इस पर अप्लाई होता है। उसके पहले हम इसे समझते हैं कि सी इज द सेंटर, सी कहलाता है सेंटर कहलाता है, सी क्या है हमारा सेंटर है, ये क्या कहलाता है पॉइंट, हमने पिछले चैप्टर में इसको वर्टेक्स बोला जाता है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है वर्टेक्स, ओके। और ये जो एक्सिस है कंजुगेट एक्सिस कहलाता है, कंजुगेट एक्सिस और ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ये बस आपको बता दिया जा रहा है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट इस हाइपरबोला में होता है। तो हम देखेंगे कि P1F1 minus P1F2 minus P1F1 इक्वल टू P2F2 minus P2F1 इक्वल टू P3F1 minus P3F2 होगा, ठीक है, होगा कैसे, तो हम देखेंगे कि ये P1F2 जो हमारा P1 और F2 यहाँ पर जो गया और P1F1 है, ये दोनों यहाँ से माइनस यहाँ डिवाइड बाय P2F2 माइनस, ये दोनों का रेशियो का क्या होगा बराबर होगा। तो हम देखेंगे सिर्फ इसको, ये दोनों का जो डिफरेंस है किसका किसका, तो P1F2 का जो डिफरेंस माइनस P1F1 इतना माइनस इतना इक्वल टू इतना माइनस इतना होगा, ठीक है। तो देखेंगे फिर से एक बार इसको कि P1F2 मतलब ये लंबा वाला से अगर छोटा वाला माइनस करें और ये लंबा वाला से छोटा वाला माइनस, दोनों क्या होगा बराबर होगा। सेम अगर इधर देखा जाए तो P3F1 जो होगा लंबा वाला माइनस छोटा वाला, निश्चित है कि इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आप क्या याद कीजिए, कभी भी अगर हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा से छोटा वाले में करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है। तो बड़ा वाला कौन सा है, तो P2F2 minus P2F1 इधर हो जाएगा P3F1 minus P3F2, ठीक है। तो याद करने का बहुत छोटा तरीका है, आप तो ईजिली इसको रिमेंबर कर सकते हैं और इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला पर। तो जो टर्म डिफरेंस आता है, डिफरेंस का मतलब माइनस, हमने देखा कि ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट का क्या होता है डिफरेंस हो रहा है, बड़ा में से छोटा वाले से, मतलब एक पॉइंट P2 जो और P1 जो है मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, उसी से सब स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो डिफरेंस होता है यूज इन द डिफिनेशन मीन्स द डिस्टेंस टू द फार्दर पॉइंट माइनस द डिस्टेंस टू द क्लोजर पॉइंट। ये डिफरेंस क्या करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द फार्दर मतलब दूर वाला पॉइंट माइनस क्लोज, इस पॉइंट के लिए ये दूर वाला पॉइंट है और ये वन क्या है क्लोजर पॉइंट है, ये दूर का पॉइंट है ये क्लोजर पॉइंट, इस दोनों का डिफरेंस को ही हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों जहाँ पर कट करता है, ये दोनों यहाँ पर ये जाकर कट करेगा, तो ये देखते हैं पॉइंट बनता है और इसके बारे में हम कैसे कैसे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे चैप्टर में हम देखेंगे। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो ये लाइन जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पैराबोला का जो वर्टेक्स तक है, ये डिस्टेंस हमारा ए हुआ और ये पूरा हाइट, जैसे हमने देखा था ना कोऑर्डिनेशन में ए और बी देता था, ए क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस का जो गया ए हो गया, यहाँ क्या हो गया बी हो गया। तो ये बी का जब वैल्यू हम निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि हमने पाइथागोरस अगर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला में ये जो लोकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ओके। तो जो अगर 2b अगर देखा जाए इसका, अगर बी का वैल्यू यहाँ निकालते हैं, बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 2b निकाले यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यानी कंजुगेट एक्सिस का पूरा वैल्यू निकाल जाए तो हम क्या निकालेंगे 2b, ये कंजुगेट एक्सिस का जो लेंथ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 into अंडर
सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट है, ये दोनों आप लिख लीजिएगा। ये पूरा कंजुगेट एक्सिस का है, ये सिर्फ क्या है कि ये कंजुगेट एक्सिस का है और ये हमारा सिर्फ वाई एक्सिस का अपर पोर्शन पॉजिटिव वाला है बी का वैल्यू। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि कांस्टेंट निकालना, जो हमने कांस्टेंट का बात किया टू फाइंड द कांस्टेंट पी एफ वन पी एफ टू माइनस पी एफ वन है ना, ये जो हमने बोला था कि डिफरेंस हाइपरबोला का लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट जो होता है उसका हम अब निकालेंगे क्या, तो कांस्टेंट निकालेंगे। किस प्रकार कांस्टेंट से निकाला जाता है, हमें दिख रहा है फिगर में कि ये जो एरिया है ये सबसे बड़ा हाइपरबोला का पॉइंट होगा। इसमें हाइपरबोला का हमने पहले देखा कि बी एफ वन जो होगा, यानी कि जो लॉन्गेस्ट वाला बी एफ वन जो होगा, बी एफ वन माइनस बी एफ टू, इसको एफ वन करते हैं इसको एफ टू करते हैं, बी एफ वन माइनस बी एफ टू इक्वल टू ए एफ वन माइनस ए एफ टू, ये क्या होगा हमारा एक फार्मूला हो जाएगा जो हाइपरबोला से रिलेटेड है, ए एफ टू माइनस ए एफ वन है ना, क्योंकि पहले दूर वाला लेंगे फिर नज़दीक वाला। हमने पहले ट्रिक देख लिया कि सबसे पहले सबस्ट्रैक्ट क्या करते हैं, दूर वाले से नज़दीक वाले में हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, बाई टेकिंग दिस बी एफ वन माइनस बी एफ टू ए एफ टू माइनस ए वन, अब इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे धीरे धीरे, इसको हम इलाबरेट कर इसका फार्मूला निकालेंगे। जैसा कि फोटो में देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि बी एफ टी बी एफ वन को ब्रेक किया, बी एफ वन को हमने ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए एफ वन हो जाएगा और माइनस बी एफ टू है ही। फिर ए एफ टू को हम क्या करेंगे, ए एफ टू जो है ए एफ टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी एफ वन, ए बी प्लस बी एफ टू ये हो गया और माइनस एफ। अब देखिएगा ए बी से ए बी हमारा कट गया और यहाँ पर क्या कटेगा, बी एफ टू से बी एफ टू यहाँ पर हमेशा कट जाएगा। यहाँ हमने बी ए से बी ए काट दिया और ए एफ वन क्या हुआ, ए एफ वन इधर, ये वाला ए एफ वन इधर आ जाएगा, ए एफ वन इधर, बी एफ टू पहले से है और ये बी एफ टू उधर चला जाएगा प्लस बी एफ टू, ये हो जाएगा टू ए एफ वन इक्वल टू टू बी एफ टू, टू टू कट गया। और यहाँ पर देखेंगे ए एफ वन इक्वल टू बी एफ टू आ गया, ठीक है, ए एफ वन इक्वल टू बी एफ टू, ये हमारा फार्मूला से निकल कर आ गया। जैसे ये फार्मूला आएगा, जैसा कि पहले से हमने देखा है कि बी एफ वन, यहाँ पर बी एफ वन माइनस बी एफ टू, बी एफ वन माइनस बी एफ टू को अगर ब्रेक करें, बी एफ वन माइनस बी एफ टू को अगर ब्रेक करें, तो बी एफ वन को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस एफ वन, पहले भी हमने लिखा था। अब देखेंगे बी ए को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस एफ वन माइनस एफ बी एफ टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, एफ वन माइनस बी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा जो वैल्यू जीरो है ना, एफ वन माइनस बी टू अगर इधर चला आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, देख लीजिए एफ वन माइनस बी एफ टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो पुट करने के बी ए हो जाएगा, इसका मतलब बी एफ वन माइनस बी एफ टू का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, बी ए हो जाएगा। और बी ए का जो वैल्यू हमने देखा था, ये दोनों का यहाँ से यहाँ तक टू ए का होता है, बी ए का वैल्यू क्या होता है टू ए, इसका वैल्यू ए होता है और इसका वैल्यू ए होता है, ए और ए प्लस टू ए वैल्यू हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है टू ए निकल गया बी ए का वैल्यू, कैसे हमने निकाला, तो बी एफ वन माइनस बी एफ टू अगर देखा जाए, बी एफ वन माइनस बी एफ टू का वैल्यू क्या निकलेगा, टू ए निकलेगा। तो ईजी एम सी क्यू और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है कि बी एफ वन माइनस बी एफ टू का वैल्यू क्या होगा, टू ए होगा। हाइपरबोला का सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो हाइपरबोला में हमने दो फार्मूला देखा कि एक जो सबसे मैक्सिमम जो होता है हमारा पॉइंट का डिफरेंस, दोनों का और छोटे वाले का डिफरेंस इक्वल टू जितने भी पॉइंट उस पर आएंगे सारे का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा हमने देखा कि जो बी एफ वन में होगा, बी एफ वन माइनस बी एफ टू का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू दिस, इसका मतलब ए और बी का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, दैट विल बी ऑलवेज टू ए। जैसे कि अगला टॉपिक आप देख रहे हैं इसेंट्रिसिटी, नाम इसेंट्रिसिटी सेंटर से बना, इसेंट्रिसिटी हमने जैसे एलिप्स में फार्मूला देखा था उसी तरह यहाँ इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है, इक्वल टू इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। किसका, तो ये इसेंट्रिसिटी किसका किसका निकलता है, तो ये जो इसेंट्रिसिटी निकलता है वो हाइपरबोला का निकलता है। हमने हाइपरबोला में भी फार्मूला को यूज़ किया था, ठीक है, आपको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सी इक्वल टू ए ई का हमने फार्मूला वहाँ यूज़ किया था, ठीक है। तो हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, फार्मूला होता है ई इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये कभी भी क्या होता है ना कि लेस देन वन कभी भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होता है, हमेशा एक से ज़्यादा होगा, सी हमेशा ज़्यादा होगा ए से। ये क्लियर है कि जो एफ का वैल्यू वहाँ से पॉइंट तक और इसका वैल्यू कभी एक से कम नहीं हो सकता, हमेशा एक से
क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर देखा जाए इसका, तो आगे देखते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन किस प्रकार आएगा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, हाइपरबोला का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया कि जब हम इस हाइपरबोला को एक पॉइंट पर रखें जो एक्स एक्सिस के इधर मुख खोले एक इधर मुख खोले, तो है ना, तो इसमें अगर ये फॉर्मूला बनता है तो इसका दूसरा जो होगा, अगर हम इसे इस प्रकार से अगर दे दिया जाए, इस प्रकार से दे दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें एक लाइन पीछे बीच से जाएगा जो वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, सब कुछ डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा जीरो एंड ये हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा जीरो और माइनस ए हो जाएगा ना, माइनस ए का क्योंकि वाई का वैल्यू है एक्स, तो यहाँ ए रखें एक्स की जगह, यहाँ करें क्या है तो वाई का वैल्यू ए है, यहाँ वाई का वैल्यू माइनस है, तो इस प्रकार रखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, दोनों में अंतर है, किस प्रकार से इसको अरेंज किया गया वो देखा जाए कि जो फोकी जो हमारा है किधर है, एक्स एक्सिस की ओर, फोकी मतलब ये फोकस किधर की ओर है, अगर ये एक्स एक्सिस की ओर तो फार्मूला ये होगा, और ये अगर ये फोकी हमारा फोकी मतलब फोकल जो होगा, अगर वाई एक्सिस की ओर हो तो फार्मूला वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है एक्स इधर कर देना वाई इधर कर देना, वैल्यू सेम होगा और कुछ नहीं होगा। जैसा कि हमने देख लिया किस प्रकार से हमारा जो फोकी है किधर की ओर ओपन है। तो क्वेश्चन आता है कि वैसा हाइपरबोला जिसमें ए इक्वल टू बी हो, जिसमें ए इक्वल टू बी हो वो क्या कहलाएगा। तो अगर ए इक्वल टू बी अगर देख लिया जाए तो एक्स स्क्वायर, अगर इसको ए स्क्वायर रखा जाए बाई स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर इक्वल टू वन रखा जाए, इसको कैलकुलेट कीजिएगा जो वैल्यू होगा आपका फॉर्मूला होगा। बट यहाँ से क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं आएगा, वैसा हाइपरबोला जिसमें ए इक्वल टू बी बी होगा वो क्या कहलाएगा, तो उसे इक्विलैटरल हाइपरबोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल हाइपरबोला। वैसा हाइपरबोला जिसमें ए इक्वल टू बी होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल हाइपरबोला कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा। जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि कैसे इलिप्स का लैटस रेक्टम निकाला जाता है, यहाँ हम देखेंगे हाइपरबोला का लैटस रेक्टम कैसे निकाला जाता है। तो जैसे सेम था कि परपेंडिकुलर वहाँ था लैटस रेक्टम, यहाँ भी क्या होगा कि जो हमने इलिप्स में देखा था वो क्या था, ये लैटस रेक्टम का, यहाँ भी हाइपरबोला में सेम लैटस रेक्टम होगा, उसका हम अगर हम लेंथ निकालेंगे तो हम इस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले अगर कंपेयर करेंगे कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नाइन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्सटीन इक्वल टू वन, अगर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू नाइन यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। सेम बी का वैल्यू अगर देखा जाए 16 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, यानी इसके कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन से ए और बी का वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे। जैसे ही ए और बी का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें सी का फॉर्मूला हमें याद था कि सी क्या करते थे, अंडर रूट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले भी हमने देखा था। तो सी का ए का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और बी का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, यानी कि सी का वैल्यू 5 निकल गया। तो हमने देखा इसमें ए का वैल्यू 3 हुआ, बी का वैल्यू 4 हुआ, और सी का वैल्यू हमने 5 निकाला। तो हमें पता है कि इसेंट्रिसिटी में जो हम फार्मूला निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी का फॉर्म क्या निकाला, इसेंट्रिसिटी निकालना होगा तो इक्वल टू सी वाई ए हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या है हमारा तो 5 निकाला, ए का वैल्यू हमने क्या है 3 हो गया। ये इसेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हैं हाइपरबोला का, बहुत ईजी। और बात रहा लैटस रेक्टम का, तो जैसे हमने इलिप्स में निकाला था उसी तरह यहाँ भी हम लैटस रेक्टम निकालेंगे। तो इट इज़ इसेंट्रिसिटी हमने देख लिया, अब देखेंगे लैटस रेक्टम कैसे निकालते हैं। लैटस रेक्टम यानी एल इक्वल टू जो हम निकालते हैं वो फॉर्मूला हमारा हमने पढ़ चुका था पिछले एलिप्स में, 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, यहाँ 2 इंटू बी का वैल्यू क्या था 4 था, यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का वैल्यू क्या था 3 था, यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 3 यानी कि 32 डिवाई 3 क्या हो जाएगा हमारा लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम का फॉर्मूला आप याद रखिएगा 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं लैटस रेक्टम। तो इस प्रकार से हम इस पूरे चैप्टर में देखा कि इलिप्स का कैसे लैटस रेक्टम निकालते हैं, उसके साथ साथ हाइपरबोला का हमने पूरा डिस्क्रिप्शन देखा, हाइपरबोला होता क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन देखा, उसके साथ में हमने इसेंट्रिसिटी का वैल्यू देखा, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ई इक्वल टू सी वाई ए देखा, और साथ ही साथ हमने देखा लैटस रेक्टम किस प्रकार निकालते हैं। लैटस रेक्टम का जो होता है
अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो ये वाला भाग जो होता है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए कहलाता है, और पूरा लेटर रेक्टम का वैल्यू हो जाएगा 2b² डिवाइड बाई ए। तो क्या आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दिए, अगर फुल लेटर रेक्टम पूछा जाएगा तो 2b² डिवाइड बाई ए होगा। तो हम अगला चैप्टर हम क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, 12th सभी का क्लास में लेकर आऊँगा। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। इस प्रकार वीडियो आपको लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू डिडंट नाउ। थैंक यू वेरी मच।